प्रश्न है दोस्तों, एक कूट भाषा में सेंट्रल CENTRAL को LARTNEC की तरह लिखा जाता है तो सेमिनार SEMINAR को उस भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए कोडिंग डिकोडिंग का तो आप क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे सेंट्रल को LARTNEC कैसे लिखा है। तो दोस्तों पहले क्या करेंगे, आप अक्षरों को ध्यान से देखिए, सेंट्रल सी से स्टार्ट है और यहाँ पे ये एल से स्टार्ट है। कहने का मतलब है दोस्तों अगर हम सेंट्रल को पलट दे, सेंट्रल को यहाँ से सी से इधर से आप पढ़ लेना, तो आप क्या करिए दोस्तों इसको इधर से देखिए यानी कि एल से देखिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों LAR, समझ रहे ना, उल्टा लिखा है, बस सेंट्रल को क्या किया उल्टा लिखा है, तो इसको क्या कर दिया है LARTNEC, समझ रहे, ध्यान दीजिएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए L है तो L लास्ट में है तो पहले कर दिया, फिर A को लिखा, फिर दोस्तों क्या लिखा दोस्तों R लिखा, फिर दोस्तों T लिखा, समझिएगा ध्यान दीजिएगा, फिर दोस्तों क्या N, फिर दोस्तों क्या है E है, फिर देखेंगे दोस्तों क्या है C है, समझ रहे, यानी क्या किया है अक्षरों को बस पलट दिया, यानी पूरे आप शब्द को ही पलट दीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या है सेमिनार है ना, तो आप पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले लिखेंगे दोस्तों यहां पे आर है ना, आर को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों ए लिखेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे दोस्तों ए के बाद एन लिखेंगे, ठीक है, एन के बाद दोस्तों क्या है यहां पे देखिए आई है, फिर आप लिखेंगे आई, फिर उसके बाद से दोस्तों क्या है एम है तो फिर लिखेंगे एम, फिर उसके बाद ई है तो दोस्तों फिर लिखेंगे हम ई, उसके बाद क्या है एस है तो उसके बाद लिखेंगे एस, तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा बताइए, RANIMES, तो देखिए RANIMES किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसमें तो दोस्तों बहुत टाइम लगा, पेपर में इतना आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे जब आपको दोस्तों पता लग जाएगा कि ये क्या किया है दोस्तों, सेंट्रल को पलट के लिखा है, तो यहाँ पे भी हम पलटेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों आर से स्टार्ट होगा, अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन आर से स्टार्ट है, देखेंगे एक ही ऑप्शन आर से स्टार्ट है तो डायरेक्ट आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी, आपको पूरा मिलाने की और पलटने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, जब एक ही ऑप्शन में आर से स्टार्ट है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मात्र 2 सेकंड के अंदर ही आंसर दे देंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा।